बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करूंगी कि बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल QHU-TV एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं फालसे का जूस घर पर। तो देखते हैं किस तरह बनाया जाता है, किन किन इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाया जाता है, और इट्स टू ईजी एंड टू क्विक रेसिपी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड होप सबको वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गो विद द वीडियो। सबसे पहले तो हमें यहाँ फालसे चाहिए, और हम स्टार्ट करते हैं अपने जूस को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में जग लगा ली है, और यहाँ जग मैंने लगा ली है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फालसे। जितनी अमाउंट आपको चाहिए आप उतनी अमाउंट डाल सकते हैं, और इसको हम ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा थिक रखेंगे हम जूस को। तो ये जो मेरे पास फालसे हैं इसके बराबर की अमाउंट का हम वाटर ऐड करेंगे, तो मैं इसमें सिर्फ एक गिलास पानी का ऐड करूँगी। और पानी का ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि फालसे खट्टे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। तो अगर हम सिर्फ फालसे ही बनाएंगे तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खट्टा जूस बन जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। तो मैं इसके यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर रही हूँ। सो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और इसे आपको अच्छे से ग्राइंड करना, अच्छे से ग्राइंड करना मतलब 5 से 6 मिनट के लिए आपको इसे कंटिन्यूसली ग्राइंड करते रहना है। और अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ और जूस दिखा देती हूँ कि जो हो चुका है बिल्कुल रेडी। और अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन यहाँ पे मेरे पास ये एक टोकरी टाइप ऑफ कुछ है, तो मैं इससे स्टेन करूँगी। और मैं इससे क्यों स्टेन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये पल्प के साथ जूस पसंद किया जाता है, सिर्फ बिल्कुल ये पतला सा जूस नहीं पसंद किया जाता, थोड़ा पल्प के साथ पसंद किया जाता है। इसलिए मैंने थोड़े से मोटे सुराखों वाली ये टोकरी लिया और उसके अंदर से मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ जूस चाहिए तो आप इसको किसी स्टेनर से, बारीक सुराखों वाले स्टेनर से ही स्टेन कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से घुमा रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत पल्प भी नीचे आ जाए। यहाँ पर आइस भी बिल्कुल रेडी है, जूस भी बिल्कुल रेडी है, और मैंने ग्लास भी ले लिया है। मैंने थोड़ी बारीक बारीक आइस ले रही हूँ और उसे ग्लास के अंदर ऐड कर रही हूँ, जितनी आपको अमाउंट चाहिए इसके अंदर, और देन मैं वो जूस ऐड करूँगी इसके बीच में। और आप जूस की थिकनेस चेक कर सकते हैं, एंड देन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करूँगी, और उसके बाद ये पीने के लिए हो जाएगा बिल्कुल तैयार। और उम्मीद करूँगी कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना, जो कि ज़ीरो कॉस्ट है, इससे आपको कुछ नहीं जाता सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।